हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन रसायन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी मीडियम में कार्बनिक रसायन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th। क्या पढ़ेंगे? हिंदी मीडियम में कार्बन रसायन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th। देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि के रासायनिक समीकरण दीजिए। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि के रासायनिक समीकरण लिखिए। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि के रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में करना क्या है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण में लिखने के लिए इस विधि में क्या क्या, कौन कौन से कंपाउंड की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? CaOCl2। इसे हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इसे हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी, वाटर की होगी और एथिल अल्कोहल की होगी या एसीटोन की होगी। या हमें रिक्वायरमेंट होगी एसीटोन CH3CO। तो हमें क्या क्या चाहिए? ब्लीचिंग पाउडर चाहिए, वाटर चाहिए, एथिल अल्कोहल चाहिए और या एसीटोन चाहिए। इन कंपाउंड्स की जरूरत पड़ेगी। हम ये कह सकते हैं कि एथिल अल्कोहल से हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर और वाटर को लेकर के, या हम ये कह सकते हैं कि एसीटोन और ब्लीचिंग पाउडर और वाटर को लेकर के हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। तो पहली रिएक्शन हम लिखते हैं एथिल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर और वाटर को लेकर। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, आंसर पहला पॉइंट, एथिल अल्कोहल की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर एवं वाटर H2O से कराई जाती है। तो क्या करेंगे, रिएक्शन कैसे लिखेंगे देखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले हम रिएक्शन वाटर से करा देंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है हमारा? CaOCl2। इसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन हम वाटर से सबसे पहले करा देंगे। और जब हम वाटर से कराएंगे तो क्या करना है इसमें आपको? इसकी क्लोरीन हटा देंगे। इसकी क्लोरीन ये बाहर निकल जाएगी Cl2। अब इसके बाद आपके पास बचेगा CaO और H2O।
और इसको आप ले सकते हैं एच ओ एच, ऐसे ले सकते हैं। तो इसका सीधा सा मीनिंग ये होगा कि सी ए सी ए और ये ओ एच, सी ए और ओ एच, ये क्या बनेगा सी ए ओ एच, और यहां से ऑक्सीजन और एच ले लीजिए आप, यहां से ऑक्सीजन और एच ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, मतलब कहने का कि ये सी ए ओ और ये वाटर मिलकर के क्या बना लेगा सी ए ओ एच ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सी ए ओ और वाटर मिलकर के सी ओ एच ट्वाइस बना लेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सी ए लिया और एक ओ एच लिया, यहाँ से सी ए ओ एच हो गया, ये ओ लिया और ये एच लिया, तो सी ए ओ एच का होल ट्वाइस हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्लीचिंग पाउडर ने वाटर से रिएक्शन की और हमें क्या क्या दे दिया, क्लोरीन दे दी, क्लोरीन गैस सी ओ एच ट्वाइस दे दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लेंगे एथाइल एल्कोहल, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच एल्कोहल लिया, एथाइल एल्कोहल, इसका रिएक्शन हम क्लोरीन से करा देंगे। अब करना क्या है, क्लोरीन यहां पर इस एथाइल एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, इसका ऑक्सीकरण कर देगा। एल्कोहल का पहले ऑक्सीकरण किसमें होता है, एल्डिहाइड में, तो इसका ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में कर देगा। तो ये कितने कार्बन का एल्कोहल है, दो कार्बन का, तो दो कार्बन का ही एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है सी एच ओ, तो एक कार्बन और लगा देंगे, कितने हाइड्रोजन प्लस, कितना क्लोरीन है दो, तो यहां से क्या करेगा क्लोरीन दो हाइड्रोजन ले लेगा, ऐसे समझ सकते हैं। ये तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, किसमें हो गया एल्डिहाइड में, दो कार्बन के, और इस एल्डिहाइड का नाम क्या है एसिटल्डिहाइड, क्या कहेंगे इसको एसिटल्डिहाइड, और ये दो क्लोरीन ये दो हाइड्रोजन लेकर के क्या बना लेंगे टू एस सी एल, इस तरह से ये टू एस सी एल, ये क्या बन गया हमारा एसिटल्डिहाइड। अब हमारा जो एसिटल्डिहाइड बना, अब इस एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन फिर आगे होगी, किससे होगी क्लोरीन से होगी, आगे देखते हैं। इस एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन फिर हम क्लोरीन से करा देंगे, यहां पर क्या होने वाला है, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलकर के HCl बना लेंगे। कितना हाइड्रोजन है यहां पे, तीन हाइड्रोजन है, थ्री HCl बाहर निकल जाएगा और तीन ही क्लोरीन यहां जुड़ जाएंगे, तीन क्लोरीन यहां जुड़ेंगे, तीन हाइड्रोजन यहां क्लोरीन तो दो ही दिख रहा है तुमको, हम तीन से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने क्लोरीन हो गए, सिक्स क्लोरीन हो जाएंगे, थ्री टू या सिक्स, तो तीन क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ चले जाएंगे, तीन हाइड्रोजन, थ्री एस सी और तीन सी एल इस कार्बन से जुड़े जाएंगे, तो क्या बनेगा सी सी एल थ्री और सी एच ओ बनेगा, क्या बन जाएगा तीन क्लोरीन हमने इसमें जोड़ दिए और सी एच ओ, तीन हाइड्रोजन तीन सी एल के साथ थ्री एस सी एल बना लेंगे, इसे कहेंगे ट्राइक्लोरो, इसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इसको क्या बोलेंगे ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। अब ये जो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड बना, जो पीछे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था उससे रिएक्शन कर लेगा, इसको नीचे लाते हैं ट्राइक्लोरोएस्टरडिहाइड को और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे ले लेते हैं, और ट्राइक्लोरोएस्टरडिहाइड को हम लिखेंगे CCl3CHO, इसके दो अणु ले लेंगे, दो मॉलिक्यूल, इसके जो हमारा ये बना ट्राइक्लोरोएस्टरडिहाइड इसके दो अणु ले लेंगे इस तरह CCl3CHO। अब क्या होगा, अब ये पार्ट हम निकाल देंगे ऐसे, ये पार्ट निकल जाएगा,
ये क्या बना लेगा, CH Cl3 CH Cl3। तो हमारे पास ये नीचे लिख दे रहा हूं मैं, CH Cl3 CH Cl3 2 CH Cl3 बन जाएगा प्लस। अब क्या होने वाला है, CaO CaO और ये CHO। अब यदि हम इन दोनों को कंबाइंड करके लिखना चाहें OCHO को, तो ये हो जाएगा COOH, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं HCOO, ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि HCOO इसको भी क्या समझ सकते हैं, HCOO। यदि इसको हम देखें OCHO लिखा हुआ है और O लिखा है, क्या समझ सकते हैं, HCO। तो क्या होगा, यहां पर कैल्शियम के साथ में ये ग्रुप जुड़ जाए, CaO OOCH CaO OOCH, और ये क्या हो गया आपका, कि जैसे हमारे पास HCOO लिखा हुआ है, HCOO ये C, ये क्या हो गया, कैल्शियम फॉर्मेट। तो जो HCOO HCOO CA, ये किसका फार्मूला हो गया, कैल्शियम फार्मेट का, या हम इसको लिख सकते हैं CaSCOO का होल प्लस, और ये क्या बन गया हमारा, कैल्शियम फार्मेट कहेंगे, और साथ में ये क्या बना, क्लोरोफॉर्म। तो रिजल्ट क्या निकला, कि हमने एथिल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन से हमने क्या बना लिया, क्लोरोफॉर्म बना लिया। अब दूसरा रिएक्शन हम फिर लिखते हैं किससे, एसीटोन से, एसीटोन का रिएक्शन किससे कराना है हमको, ब्लीचिंग पाउडर से। तो दूसरा रिएक्शन, दूसरा एसीटोन प्लस ब्लीचिंग पाउडर हम लेंगे। ये समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, हमें समझ आया है मैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है, प्लस वाटर और हम क्या बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म। ये वहां पर नहीं लिखना, केवल आपके समझने के लिए हमें ये लेकर चलना है और ये बनाना है। तो सबसे पहले हम ब्लीचिंग पाउडर CaO CN2 का रिएक्शन हम फिर वाटर से कराएंगे, फिर वही ये CN2 को हम बाहर कर देंगे। इस CN2 को बाहर कर दिया, ये CaO और वाटर, फिर वही उसी तरह से CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब हम फिर एसीटोन लेंगे CH3 CO CH3 लेंगे, इसका रिएक्शन हम फिर क्लोरीन से करा देंगे। अब करना क्या है, कि इधर का हाइड्रोजन या इधर का हाइड्रोजन हमें हटाना है, इधर का भी हम हाइड्रोजन हटा सकते हैं, इधर का भी, कितने हाइड्रोजन हट तो दोनों तरफ सकते हैं, लेकिन हमें उतनी क्लोरीन पास करनी जिससे एक तरफ का हाइड्रोजन ही निकल जाए। तो हम क्या करेंगे, कितना हाइड्रोजन दिख रहा है हमको, 3 हाइड्रोजन, 3 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 6 क्लोरीन हो जाएंगे यहाँ पर। तो 3H और 3Cl 3HCl निकाल देंगे, ये 3HCl निकल जाएगा, और 3 हाइड्रोजन की जगह 3Cl लग जाएंगे। तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ CH3 CO CCl3, ये बन गया, इधर तीनों हाइड्रोजन हट गए और 3 हाइड्रोजन के प्लेस पर क्या लग गया, C 3 Cl लग गया। इसे पढ़ते हैं ट्राइक्लोरोएसीटोन पढ़ते हैं इसे हम पढ़ेंगे क्या, ट्राइक्लोरोएसीटोन। अब इस ट्राइक्लोरोएसीटोन का रिएक्शन हम किससे करा देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे फिर उसी तरह से और इससे रिएक्शन करा देंगे। तो आगे देखते हैं इसमें, ट्राइक्लोरोएसीटोन का रिएक्शन हम करा
हटा देंगे कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड से, इसलिए OH ट्वाइस लिख लिया इसको। और ट्राई क्लोरो एसीटोन हमारे पास इस तरह से था CCl3 COCH3, ऐसे ले सकते हैं CCl3 COCH3, इस तरह से ले सकते हैं ट्राई क्लोरो एसीटोन। फिर उसी तरह से निकाल देंगे ये पार्ट, इसी तरह से ये पार्ट भी निकल जाएगा और ये क्या बनने वाला है CHCl3। तो दो मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के बन जाएंगे CHCl3 आ गया। अब यहाँ क्या बनने वाला है CH3COO, ये एसीटेट हो गया CH3COO। ये कैल्शियम एसीटेट हो गया CaOOCCH3 या इसको हम ऐसे ले सकते हैं CH3COO ऐसे ले सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम एसीटेट। तो हमने क्या किया, एथिल अल्कोहल और एसीटोन या एसीटोन लेकर के, एथिल अल्कोहल ने या एसीटोन ने, उसका रिएक्शन हमने किससे कराया, ब्लीचिंग पाउडर से कराया। ब्लीचिंग पाउडर को पहले हमने जल वाटर से रिएक्शन कराया, वाटर से रिएक्शन कराने पर क्या मिला हमको, क्लोरीन मिली। क्लोरीन का रिएक्शन यदि हम एथिल अल्कोहल से पहले कराते हैं, एथिल अल्कोहल से हमको एस्टरडिहाइड मिलता है, फिर कराते हैं ट्राई क्लोरोएस्टरडिहाइड मिलता है, और फिर जो ट्राई क्लोरोएस्टरडिहाइड मिलता है उसका हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है। सेम हम ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो क्लोरीन मिलती है, क्लोरीन का रिएक्शन हम एसीटोन से कराते हैं तो ट्राई क्लोरो एसीटोन मिलता है, और ट्राई क्लोरो एसीटोन के दो मॉलिक्यूल लेते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या मिल जाता है, क्लोरोफॉर्म। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड पे आया हुआ है। क्लोरोबेंजीन से आप निम्न कैसे बनाएंगे, बेंजीन। अगला क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन से निम्न को कैसे बनाएंगे। पहला, बेंजीन बनाना है आपको। दूसरा आपको फिनाइल बनाना है। तीसरा आपको एलीन बनाना है, तीसरा कंपाउंड एलीन, और चौथा कंपाउंड आपको डाइफेनिल बनाना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरोबेंजीन से आप बेंजीन कैसे बनाएंगे, फिनाइल कैसे बनाएंगे, एलीन कैसे बनाएंगे, डाइफेनिल कैसे बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन, लेते हैं क्लोरोबेंजीन सीएल सीएच हर जगह लगा देंगे। क्या करना है हमें, Cl हटाना, H चाहिए, इसका मतलब इसका अपचयन कराना होगा, H जोड़ना चाहते हैं, H लिख दिया, और ये आपको याद रखना पड़ेगा NiAl, ये मिश्र धातु होती है, इसकी उपस्थिति और NaOH की उपस्थिति में ये रिएक्शन हम कराएंगे। हम यहाँ पर दो हाइड्रोजन ले लेंगे, दो H ले लेंगे, एक H Cl, एक H और एक Cl मिलके HCl बना लेगा, और एक H यहाँ जुड़ेगा। जब Cl हट जाएगा
एक एचन यहाँ जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ गया HCl आ गया प्लस एक एच ने जोड़ दिया तो ये हमारा बेंजीन बन गया, ये हमारा कंपाउंड बेंजीन हो गया। इस तरह से हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन को बना दिया। अगला देखते हैं, क्लोरोबेंजीन से फिनाइल कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से फिनाइल कैसे बनाएंगे। अभी पीछे लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो हमें क्लोरोबेंजीन लिया, ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें क्या है, इसमें हम रिएक्शन कराएंगे NaOH, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 atm अप्रॉक्सीमेटली प्रेशर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, NaCl बाहर हो जाएगा, तो ये NaCl मैं नीचे लिख देता हूँ, बाहर हो जाएगा और ये OH जुड़ जाएगा और इस तरह से फिनाइल क्लोरोबेंजीन से बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, जुड़े दिस इज फिनाइल दिस इज क्लोरोबेंजीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोबेंजीन से क्या था, एनिलीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, तो हम लेते हैं यहां पे क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है। एनिलीन बनाने के लिए Cl के प्लेस पर NH2 आना चाहिए, NH2 ग्रुप आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसका रिएक्शन NaNH2 से करा देंगे, ऐसे क्या बोलते हैं सोडामाइट, इसे हम बोलते हैं सोडामाइट, और ये रिएक्शन हम कराएंगे द्रव अमोनिया की प्रेजेंस उपस्थित में, बहुत सिंपल रिएक्शन है ये, NaCl निकल जाएगा इसे, NaCl बाहर निकाल देंगे, इसको मैं नीचे लिखूंगा जिससे दिखाई दे तुम्हें, होना इधर चाहिए था, NaCl निकल जाएगा और ये NH2 जुड़ जाएगा और इस तरह से एनिलीन बन जाएगी और NH2 जुड़ गया और ये एनिलीन बन गई, दिस इज एनिलीन और दिस इज क्लोरोबेंजीन। अगला क्या दिया हुआ था कि डाइफेनल कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनल, तो क्लोरोबेंजीन लिया हमें, डाइफेनल का मतलब दो बेंजीन रिंग एक साथ चाहिए, तो हम क्लोरोबेंजीन को इस तरह से लिखेंगे Cl डाइफेनल में दो बेंजीन रिंग एक साथ होंगी, तो क्लोरोबेंजीन लिया और सोडियम, ये फिटिक रिएक्शन एक प्रकार की, हम क्या बनाने जा रहे हैं क्लोरोबेंजीन से डाइफेनल, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनल ये बनाने जा रहे हैं, तो यही क्लोरोबेंजीन उल्टा रिवर्स करके फिर लिख देंगे ऐसे, ये क्लोरोबेंजीन रिवर्स करके हमने लिख दी, फिर ये क्लोरोबेंजीन को रिवर्स करके फिर लिख दिया गया। अब क्या करना है, कितना क्लोरीन दिखाई दे रहा है आपको, दो, तो दो से तो मल्टीप्लाई करना होगा तभी निकल पाओगे आप, ये 2NaCl बाहर निकल दो, इस 2NaCl को आप बाहर निकाल दो,
तो 2NaCl ये बाहर निकल गया प्लस इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो, इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो CH हर जगह पे CH हो जाएगा, ये CH हर जगह जोड़ दीजिए। और ये क्या है, दो फेनल सब जुड़े हुए हैं, ये दो वेनियर रिंग है, इन्हें क्या बोलेंगे फेनल। तो ये क्या बन गया, हाँ ये शुष्क ईथर की उपस्थित में रिएक्शन होती है, इसको याद रखेंगे शुष्क ईथर, और दिस इज डाई फेनल, इस कंपाउंड का नाम क्या है डाई फेनल। तो ये भी बोर्ड में पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल रिएक्शन। तो हमने दो क्लोरोबेंजीन लिए, 2NaCl बाहर निकाल दिया और दोनों बेंजीन इनको जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन देते हैं जो बोर्ड पे आया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड कैसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड बेंजोइक एसिड का फार्मूला ये होता है, बेंजीन रिंग में आप सी डबल एच लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। आपको बनाना क्या है, बेंजामाइड बनाना है। बेंजामाइड मतलब C1H2 जोड़ दीजिए, एमाइड को C1H2 जोड़ दीजिए, C1H2 आप जोड़ दो, यहां तक आपको पहुंचना है। देखिए इसका आंसर, ये हमने लिया बेंजोइक एसिड, ये हमारा इसका फार्मूला है, बेंजोइक एसिड का फार्मूला है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन हम अमोनिया से करा देंगे, NH3 सीधा सीधा इससे जुड़ जाएगा, NH3 और H इनके क्या बनाएंगे, NH4 बना लेंगे। तो क्या हो गया, ये COONH4, तो ये बन जाएगा हमारा COONH4 हो जाएगा। इसको कहते हैं अमोनियम बेंजोएट, इस कंपाउंड का नाम हो गया अमोनियम बेंजोएट। अब इस कंपाउंड को क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं इसको, यदि हम हीट करते हैं तो इसका वाटर निकल जाएगा H2O, यहां से दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, यहां से दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, वाटर निकल जाएगा, क्या बचेगा CONH2, दो ही आदमी बचेंगे, ये H2O हो गया प्लस, यहां दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल चुका तो CONH2 बचेगा, और यही क्या है हमारा बेंजामाइड है, तो CONH2 बन गया, हर जगह CH लगा हुआ है, ये मान लेना हर जगह यहाँ पे CH लगा सकते हैं, इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा बेंजामाइड। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड पे और आया हुआ है, एसीटोन से तृतीयक ब्यूटेन एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटेन एल्कोहल पूछा आपसे। तो AC
एसीटोन तो हमारे पास क्या होता है CH3CH3CO, ये एसीटोन है, दिस इज एसीटोन। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल मतलब हम इस तृतीयक कार्बन बनाएंगे, तृतीयक कार्बन बना लिया, इसको तीन कार्बन से जोड़ देंगे, ये तृतीयक 3 डिग्री कार्बन है और इसी से OH लगा देंगे CH3CH3CH3। तृतीयक का मतलब इस कार्बन को तीन अन्य कार्बन से जोड़ दीजिए और हाइड्रोजन लगा दीजिए CH3 से और इसी से OH लगा, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। देखिए इसको हम एसीटोन का रिएक्शन इस केस में गिगनार्ड अभिकर्मक से कराएंगे, मतलब CH3MgBr से सबसे पहले इससे रिएक्शन हम कराएंगे। अब क्या होगा, हमें पता है ये बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, मतलब ये कुछ इस तरह का हो जाएगा CH3 C+ CH3 O-। बॉन्ड यहाँ से भी ब्रेक होगा और यहाँ भी क्या आएगा CH3, यहाँ पर MgBr में प्लस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। अब ये CH3 यहाँ जुड़ेगा प्लस के साथ, O के साथ क्या जुड़ जाएगा MgBr, तो CH3 को हम यहाँ जोड़ देंगे, O से MgBr जोड़ देंगे, राइट। तो देखिए क्या बनेगा, ये एक माध्यमिक यौगिक बन गया, इंटरमीडिएट हमारा CH3, अभी मैंने बताया था कि इसी से जोड़ना है CH3 को, O से हम इसको जोड़ देंगे MgBr, ये जोड़ दिया, और ये जो बना इसका हम वाटर से रिएक्शन करा देंगे, इसको नीचे लाएंगे, इसका रिएक्शन वाटर से करा देंगे OMgBr+ water, HOH लिखते हैं या H2O लिखते हैं बात एक ही है, इसका हम वाटर से रिएक्शन कैसे कराएंगे जरा देखिए, HOH दिया तो यहाँ से ऐसे रिएक्ट कर देंगे, तो MgBrOH, Mg की वैलेंसी दो होती भी है तो MgBrOH बनेगा, O के साथ क्या जुड़ जाएगा H जुड़ जाएगा, तो मैं समझने के लिए बता रहा था आपको MgBr और OH और उससे क्या बन जाएगा H, ठीक। तो इस तरह से क्या बना कंपाउंड, यहाँ H आएगा MgBrOH अलग हो जाएगा, MgBrOH अलग हो गया प्लस ये O के साथ H आ जाएगा, ये तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल आ गया CH3 और OH। इस तरह से हमने एसीटोन से क्या बना लिया, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, एस्टेरिक अम्ल से एस्टामाइड कैसे बनाएंगे, एस्टेरिक अम्ल से एस्टामाइड, एस्टेरिक अम्ल से एस्टामाइड, एस्टेरिक अम्ल हमारा क्या होता है CH3COOH और एस्टामाइड क्या होता है CH3CONH, यहां पहुंचना है, देखते हैं इसको CH3COOH प्लस, इसका रिएक्शन सबसे पहले जैसे पीछे भी कराया था NH3 से कराते हैं, अमोनिया से कराते हैं, अमोनिया सिंपल इसमें जुड़ जाएगा NH3 और H NH4 बना लेंगे, क्या बनेगा CH3COOH, ये बन जाएगा CH3COOH4 बन जाएगा, इसे क्या बोलते हैं अमोनियम एसीटेट, ये क्या कंपाउंड होगा, दिस इज अमोनियम, दिस इज एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, इसको हम हीट कर देंगे
CH3COOH4 इसको हम हीट कर देंगे, फिर वही प्रोसेस दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन वाटर निकाल दीजिए, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन वाटर को बाहर कर दीजिए। तो अब बचेगा क्या, जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन वाटर निकाल दिया तो CH3CONH2 बचेगा, कंपाउंड क्या बचेगा CH3CONH2 और एस्टामाइड बन गया। तो इस तरह से हम अगले वीडियो में फिर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को।